हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का मास्टर की चैनल पे। आई होप कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन टॉपिक्स। आपको दिखे गया है जो लेक्चर फर्स्ट में आपने बेसिक्स कवर किए थे उस पर कितने टाइप्स के कितने तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चंस भी सारे दिख रहे होंगे। मैंने थ्री टाइप्स में डिवाइड कर दिया है क्वेश्चंस के, ये इन टाइप्स के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं आपके फर्स्ट टर्म में बेसिक्स ऑफ पॉलीनोमियल से। और लेक्चर टू जो अपना आया था उसको भी अपन नेक्स्ट लेक्चर में कितने टाइप्स के क्वेश्चंस उस पर भी थ्री या फोर टाइप्स बना हुआ है, तो कितने टाइप्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आइए एक बार देख लेते हैं क्या क्या है क्वेश्चंस। पहला टाइप जो है आपसे पूछा जा सकता है वो है फाइंड द जीरो पे पॉलीनोमियल fx, fx आपको गिवन है ना, एंड रिलेशन बिटवीन द जीरो एंड कोफिशिएंट। पहले तो जीरो निकालने हैं, उसके बाद रिलेशन क्या होगा जीरो और उसके कोफिशिएंट के, उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। दूसरा जो क्वेश्चन है आपके पास वो है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल देयर सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज -7 and 8, फाइंड द पॉलीनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक है जी। तीसरा टाइप्स का जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, फाइंड द इफ 10 ऑफ ए पॉलीनोमियल b² + 9x² + 13x + 6b इज रेसिप्रोकल, इस ये जो वर्ड है इस पे ध्यान देना है, इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ b। ठीक है जी। चौथा जो इसी टाइप का है लेकिन थोड़ा सा अलग है, इफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो of a polynomial this is 4, find the value of a। तो आइए एक एक करके इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि कैसे ये सॉल्व किया जा सकता है ये क्वेश्चंस को, और इसके कैसे आसान तरीका इसके सॉल्व करने के। तो आइए एक एक करके अपन देखते हैं। ठीक है जी। पहला जो आपका है, जो आपका क्वेश्चन है वो है फाइंड द जीरो ऑफ दिस पॉलीनोमियल एंड find the relation between its zero and its zero and coefficient। तो पहला ही दिमाग में आपका आना चाहिए जब आपको एक्सप्रेशन, ये एग्जांपल में भी शायद मैंने इसी एग्जांपल को लेकर चला था मैंने, सो देख लीजिए। तो पहला तो पूछ रहा है आपसे जीरो क्या होगा इसका। तो जीरो निकालने का मैंने आपको तरीका बताया था मिडिल ऑर्डर स्प्लिटिंग मेथड 7x + 2। तो इसका जो मैं फैक्टराइज करूंगा तो आ जाएगा 7x + यहां से फैक्टराइज ही कर देता हूं डायरेक्ट में 3x + 4x + 12 में। ठीक है जी। x यहां से कॉमन लिया x + 3, यहां से मैंने 4 कॉमन लिया तो x + 3। तो यहां से x की दो वैल्यू आ जाएगी, x = -4, x = -3। तो -4 और -3 इसका क्या हो गया बेटा, जीरो हो गया। अब बात क्या पूछ रहा है मैं से, जीरो और कोफिशियंट में रिलेशन क्या क्या होंगे। तो सम ऑफ किस दिन के लिए बताया था मैंने, सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यही तो था रिलेशन, हाँ या ना। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता था, सम ऑफ जीरो क्या होता था, कोफिशिएंट माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता था, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहां पे देखें तो -7/1, यहां पे 12/1, यहां से -7 आ गया, यहां से -12। तो ये क्वेश्चन का सीधा सा एक छोटा सा सॉल्यूशन ये रहा। तो सॉल्यूशंस तो बहुत इजी हैं, लेकिन आपके माइंड को रिकवर करना पड़ेगा कि इसमें कौन सा मेथड लगाया जा सकता है, कौन सा ट्रिक्स इसमें लगाया जा सकता है। दूसरा ही ऐसा आपका क्वेश्चन था जिसमें आपको गिवन था -7 और -8 उसका सम और प्रोडक्ट गिवन था और पूछ रहा था कि वो पॉलीनोमियल एक्सप्रेशन आप बताओ। तो आप उसमें गिवन क्या था आपका, सम ऑफ जीरो गिवन था, बोलो हाँ या ना। वो कितने किसके बराबर था बेटा, -7 के। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी गिवन था, हाँ जी गिवन था, प्रोडक्ट ऑफ जीरो गिवन था, वो था 8 के। तो मैंने आपको एक नोट पॉइंट बताया था जिसमें बताया था कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हो जिसका जीरो अपने को पता है तो अपन वो पॉलीनोमियल एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। वो किस दिन के लिए बताया था, इसी दिन के लिए बताया था। तो वो एक्सप्रेशन कौन सा था, x² - α + β (x + α) + β, और अल्फा बीटा यहाँ पे क्या थे, जीरो थे।
लेकिन यहाँ पे आपको डायरेक्ट क्या गिवन है, सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो आप इसको क्या बोलते हैं अपन, सम ऑफ जीरो, और इसको क्या बोलते हैं अपन, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। बोला हाँ या ना? तो ठीक है जी, तो एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस टेन सेवन एक्स प्लस एट, लो जी आ गया आंसर, प्लस सेवन एक्स प्लस एट, ये रहा आपका एक्सप्रेशन, बहुत ही सिंपल। और तीसरा जो आपका क्वेश्चन था, आपको रिमेम्बर कराऊं मैं, तो तीसरा क्वेश्चन ये बोल रहा था कि एक आपको पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन गिवन है जिसका एक जीरो उसके दूसरे जीरो के रेसिप्रोकल है, एक जीरो उसके दूसरे जीरो के रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल मतलब क्या, उल्टा है। और पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन जो आपको एफ एक्स के रूप में गिवन था वो था बी स्क्वायर प्लस नाइन एक्स स्क्वायर प्लस थर्टीन एक्स प्लस सिक्स बी, यही था ना। और यहां से पूछ क्या रहा था, फाइंड अपने को क्या करना था, वैल्यू ऑफ बी, बी की वैल्यू अपने को बतानी थी, और जीरो, एक जीरो जो है इस पॉलिनोमियल का इसके दूसरे जीरो के रेसिप्रोकल। ये तो आपको पता चल गया ना कि दो जीरो होंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाईएस्ट पावर दो है, तो दो इसके जीरो भी होंगे। ठीक है जी, तो लेट कर लेते हैं अपन इस क्वेश्चन करने का सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन इजी वे में क्या है, पहले आप मान लो लेट वन जीरो इज कितना, अल्फा मान लिया मैंने, तो दूसरा जीरो हो जो होगा सेकंड वाला जो जीरो इसका होगा वो क्या आ जाएगा, वन बाई अल्फा। बोलो हाँ यार, रेसिप्रोकल है। ठीक है जी, ठीक है, आगे सब क्या करूं मैं, क्या इसका सम लिखूं या प्रोडक्ट लिखूं। सम लिखोगे तो अल्फा प्लस वन बाई अल्फा थोड़ा लेंथी हो जाएगा, डायरेक्ट फैक्टराइज करोगे थोड़ा लेंथी हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरो लिखता हूं सर, इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, देखो जी मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें जितना ज्यादा पेन चलाओगे ना उतने ज्यादा आपको सीखने को, जितनी ज्यादा गलतियां करोगे उतना ही सीखने को भी मिलता है आपको। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो मैंने लिखा, इसका इसके बराबर हो जाएगा थर्टी, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन आपका कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो सिक्स बी अपॉन बी स्क्वायर प्लस नाइन, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू वन अपॉन अल्फा इज इक्वल टू सिक्स बी अपॉन बी स्क्वायर प्लस नाइन, अल्फा से अल्फा गया बेटा, बचा वन इधर, तो वन इज इक्वल टू सिक्स बी अपॉन बी स्क्वायर प्लस नाइन, यहां आया बी स्क्वायर, मैं इधर ले आया सिक्स बी प्लस का नाइन इज इक्वल टू जीरो। अब इसको मिडिल ऑर्डर से इसको फैक्टराइज कर दो, तो बी स्क्वायर इंटू नाइन नाइन बी स्क्वायर इंटू नाइन नाइन बी स्क्वायर, और यहां बनाना है मेरे को सिक्स बी, तो माइनस थ्री और माइनस थ्री, माइनस थ्री बी माइनस थ्री बी ले लूंगा, बी स्क्वायर माइनस थ्री बी माइनस थ्री बी प्लस नाइन, इससे क्या होगा माइनस थ्री बी इंटू माइनस थ्री बी नाइन बी स्क्वायर, और आपका बी माइनस थ्री बी प्लस माइनस थ्री बी, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे सिक्स बी बी आ जाएगा। इधर लिख देता हूं मैं, देख लीजिए, तो यहां से मैं अगर बी कॉमन ले लेता हूं तो पहले माइनस बी बाई बी माइनस थ्री, और यहां से मैं माइनस थ्री कॉमन ले लेता हूं तो बी माइनस का थ्री। बोलो हाँ या ना? तो यहां से आपका जो बन क्या है, माइनस थ्री मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है जी, ठीक है, माइनस थ्री कॉमन लिया, हाँ ठीक है, तो माइनस का ये आपका आ गया b इज इक्वल टू थ्री के बराबर। क्या आएगी b की वैल्यू, थ्री, ठीक है जी, b की वैल्यू आपको दिख रही है यहां से निकल जाएगी थ्री के बराबर। और चौथा टाइप का जो आपका क्वेश्चन था वो था कि अगर कोई एक्सप्रेशन गिवन हो और उसका प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट पता हो अपने को और a निकालना है, तो इसी टाइप का क्वेश्चन है। प्रोडक्ट आपको पता है यानी अल्फा इंटू बीटा पता है आपको, और एक तरह पे एक वैल्यू आपको निकालनी है तो आप सिंपली निकाल सकते हो, जैसे मान लो यही पॉलिनोमियल है ए स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस सिक्स, और आपको बोल दिया कि इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरो फोर है, ठीक है जी, यानी मेरे को क्या पता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो पता है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो इसके बराबर होता है कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो सिक्स अपॉन किसके बराबर,
a के बराबर और ये आपको कितना गिवन है 4 के बराबर तो 6 upon a तो 4a is equals to 6 तो a is equals to 6 by 4 यानी 3 by 2 ठीक है जी। तो ये इस टाइप के भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। और तीसरा जो आपका एक मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिया था जो आपके 2008 में शायद पूछ सकता है और उसी क्वेश्चन को फिर से रिपीट किया एक बार और 15 में या फिर 15 में पूछा था या फिर 14 में ऐसे कुछ पूछा था। वो क्वेश्चंस क्या बोल रहा था कि किसी भी पॉलीनोमियल के सम और प्रोडक्ट्स गिवन है ठीक है जी। और करना क्या था कि सम और प्रोडक्ट्स गिवन है तो वो पॉलीनोमियल्स लिखना था। दूसरी बात वो पॉलीनोमियल्स का जीरोथ निकालना था ठीक है। और हाँ ये और उसके कोफिशिएंट और उसके जीरोथ में क्या रिलेशन होंगे वो निकालना था। जैसे किसी पॉलीनोमियल के सम ऑफ जीरो पता है आपको, मान लो वो है रूट अंडर टू और या फिर माइनस का रूट अंडर टू ले लो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी पता है आपको वो कितना है बेटा रूट अंडर टू ठीक है। तो बोल रहा है कि ये पॉलीनोमियल एक्सप्रेशन लिखो तो आपको पता है कि दो जीरोथ गिवन है तो ये किसका होगा क्वाड्रेटिक का, क्वाड्रेटिक होगा क्यूबिक का तो नहीं होगा, क्यूबिक में तीन होते हैं पावर तो तीन उसके जीरोथ होंगे। यहां पर दो जीरोथ गिवन है आपको यानी क्वाड्रेटिक की ही बात कर रहा है ठीक है जी। ये समझ में आ गया सर। तो क्वाड्रेटिक के एक्सप्रेशन लिखने का क्या तरीका है, अगर अपने को सम और प्रोडक्ट गिवन है तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा ठीक है सर। लिख दिया मैंने एक्स स्क्वायर माइनस का रूट अंडर टू प्लस हाँ रूट अंडर टू और सॉरी यहां पे आपको डायरेक्ट गिवन है ना सम ऑफ जीरो तो आप डायरेक्ट ही रख सकते हो माइनस का रूट अंडर टू इंटू एक्स प्लस रूट अंडर टू माइनस का रूट अंडर टू नहीं क्यों हो रही है इतना यार, सीधे प्रोडक्ट आपको गिवन है तो सीधे आप कह सकते हो रूट अंडर टू के बराबर। तो यहां से आपको एक्सप्रेशन क्या मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर टू एक्स प्लस रूट अंडर टू ठीक है। अब आपको करना क्या है ये एक्सप्रेशन मैंने जनरल ले लिया है कोई मेरे को पता नहीं है फैक्टराइज होगा मिडिल ऑर्डर से नहीं होगा बात की बातें हैं, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं कि किसी भी पॉलीनोमियल के अगर सम पता हो प्रोडक्ट ऑफ जीरो पता हो तो आप उसका एक्सप्रेशन लिख सकते हो। इससे तीन चार चीजें आपके करवा सकता है, एक्सप्रेशन बोलेगा लिखने को फिर बोलेगा कि इसका जीरो निकालो अल्फा और बीटा की एग्जैक्ट वैल्यू निकालो। यहाँ ये क्या गिवन है आपको अल्फा प्लस बीटा गिवन है बेटा और ये क्या अल्फा इंटू बीटा डायरेक्ट गिवन है आपको तो यहाँ सेपरेटली इसका वैल्यू भी निकलवा देगा और क्या बोलेगा कि अगर इसकी आपने वैल्यू निकाल ली है तो कोफिशियंट और इसका जीरो में क्या रिलेशन होगा ये भी बताओ। तो ये सब टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके अपने जो फर्स्ट लेक्चर आपने पढ़ा है मेरे से उस पे मास्टर की ने जो फर्स्ट लेक्चर आपने लाया था पॉलीनोमियल का तो इतने टाइप्स से आपसे क्वेश्चन आस्क किए जा सकते हैं आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। लास्ट में जो थ्री और ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया ये आपके मेन एग्जाम के लिए थे और वो जो क्वेश्चन था वो इंटरनल आपके स्कूल लेवल पे काम आ सकते हैं। और मैं ये भी बता दूं कि वो जो बेसिक जब आपका क्लियर नहीं होगा तो आप बड़े लेवल के भी क्वेश्चंस नहीं किया नहीं कर सकते हो। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है बेटा जिसमें आप जितना नंबर्स ऑफ टाइप्स जितने ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको ये मैथमेटिक्स के अपने मॉडिफाई करते हुए चले जाओगे आप, क्योंकि ये जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ये प्रैक्टिस वाला सब्जेक्ट है। अब बहुत एक बच्चे का डाउट आया था, सॉरी राहुल मैं आपका डाउट भूल गया कि सर मैं थ्योरी तो बहुत अच्छे से कर जाता हूं लेकिन मेरे को क्वेश्चंस करने में बहुत प्रॉब्लम आती है ठीक है। और आपने बताया भी था कि मैं थ्योरी सर पहले पढ़ता हूं, देखो बेटा यही आप गलती करते हो। मैथमेटिक्स या भी कोई सा भी सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स कोई सा भी सब्जेक्ट हो अगर आपको उसका क्वेश्चंस लगाना है तो आप पहले क्वेश्चंस को देखो उसके बेसिस पे आप थ्योरी देखो, ना कि थ्योरी देख के आप क्वेश्चंस पे जाओ। क्योंकि जब आप क्वेश्चन देखोगे और जब उसके बाद थ्योरी देखोगे ना तो उससे होगा क्या कि एक अपने पास इमेज बन जाता है कि इस क्वेश्चन को करने के ये तरीके हैं, ये थ्योरी यहाँ पे काम आएगी, समझ गया। तो इस ट्रिक को आप लाओ अपने
और कोई सा भी सब्जेक्ट हो पहले क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है वो देखो और ट्रू पढ़ो कि इसके कितने से कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। और मैथमेटिक्स में एक बात ध्यान रखना, अगर आप मैथमेटिक्स से कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो किसी भी लेवल का कर रहे हो, किसी भी 10th 12th IIT JEE GATE किसी भी लेवल का कर रहे हो, तो मैथमेटिक्स में एक बात ध्यान रखना, आप एक क्वेश्चन के सॉल्व करने के 2-3 तरीके भी होते हैं, लेकिन आपको शॉर्ट तरीके से ही जाना चाहिए। देखो पहले क्या पूछा है और ये मत सोचना कभी भी कि ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ये केमिस्ट्री नहीं है, ये दूसरा सब्जेक्ट नहीं, ऐसा हो जाएगा नहीं, इसके तरीके अलग अलग है। मान लो इसके 3 तरीके हैं, अब आप गए लॉन्ग मेथड से, फिर बात रास्ते में गाड़ी रुक गई, खत्म। इसलिए आप पेन चलाओ, डायरेक्ट क्वेश्चंस मिले मैथमेटिक्स से तो पेन चलाना चालू करो। अगर गलती करोगे तो मैथमेटिक्स में सीखोगे, या फिर कोई सा भी सब्जेक्ट जितना ज्यादा गलती करोगे आपके पेपर में गलती करने के चांसेस कम रहेंगे। ये बात हमेशा जाती है, घर पे जितना गलती करना है कर लो, पेपर में गलती करोगे तो उसका नतीजा कुछ और होगा, तो उससे अच्छा है कि पहले ही गलती कर ले अपन। सो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे, तरीके मैंने जो बताया है वो आपको समझ में आएंगे, थ्योरी से रिलेट करके बताया है वो आपको समझ में आएंगे। सो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, जितना ज्यादा हो सके शेयर करें, अपने दोस्तों को बता दें कि मास्टरकी पे चालू हो रखा है 10th लेवल का कोर्स आपका, आइए मास्टरकी से जुड़िए और ये जो बेनिफिट यहाँ दिया जा रहा है उसका लुत्फ उठाइए। थैंक यू सो मच, अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, जय हिंद।